नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी कॉलेज में गत 4 मार्च से सिक्किम और बंगाल एनसीसी 71 बटालियन का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस विशेष शिविर में जिले के विभिन्न कॉलेजों के 400 छात्रों ने भाग लिया। आगामी 21 मार्च से अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। खूंटी पूजा कर इसकी शुरुआत की गई। आयोजन कमेटी के भास्कर मजुमदार ने बताया कि 5 जनवरी को इसका आयोजन होना था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब 21 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। बता दें, इससे पहले बजट सत्र का चरण 31 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 11 फरवरी तक चला। दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। विपक्षी दल तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में। विपक्षी दल सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, पीएफ का ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मुद्दों पर घेर सकता है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी। दोपहर के बाद इस पर चर्चा भी संभव है। राज्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद
और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.